आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल पे मैंने आपको कल कहा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पढ़ने का एक बेस्ट टाइम टेबल बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है। तो कल के वीडियो में हमने दो चीज़ें बताई थी आपके सामने, दो रास्ते बताए थे, एक ए और एक बी। ए रास्ता वो था जिसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बी रास्ता वो है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। मोस्टली बच्चों ने रास्ता जो बी था वो चुना था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप मतलब थोड़े सीरियस लगे, अच्छा है। और टाइम टेबल पर हम क्लास 12th के आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो टाइम टेबल पर बात करने से पहले दो तीन चीज छोटी छोटी चीजों पे आपको डिस्कस करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पढ़ाई करनी है तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों चीजें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, एक रेगुलरिटी दिखनी चाहिए कि आप मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक दिन 4 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ाई नहीं, 2 दिन तो खूब पढ़ा पर तीसरे दिन पढ़ाई नहीं। मतलब आप डेली पढ़ो, चाहे आपके जो आवर हैं पढ़ने के वो थोड़े कम हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको रेगुलर पढ़ना है, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपके अंदर एक पैसन होना चाहिए, जो पैसन मतलब एक जुनून, एक पागलपन जो कभी आपका खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पैसन रहे कुछ करने का। और दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कर दूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है, ये वो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ होएगा। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं टाइम टेबल पे। टाइम टेबल पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूरी एक मतलब एक एक सिस्टम को बताऊंगा कि कैसे आपको बातों को फॉलो करना है। लेकिन टाइम टेबल से पहले दो चीजें सुन लो। टाइम टेबल जो होता है वो इस तरीके से बनता है कि आप टाइम टेबल जब अपना बना लेते हो तो आप पढ़ते हो शुरू के 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन या 1 वीक, इतने टाइम तक तो आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर कभी फ्रेंड का बर्थडे आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कहीं चले गए, कभी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसी चीजें करके टाइम टेबल फिर आपका वहां पे बेकार होने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको 1 साल तक बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी होंगी। बर्थडे वगैरह में जाना बंद कर दो, बर्थडे सारी जिंदगी आता ही रहेगा। ठीक है, 1 साल नहीं जाओगे तो कोई कुछ नहीं होगा। ये जो फेस्टिवल त्योहार वगैरह हम मनाते हैं, बंद कर दो 1 साल के लिए, कौन सी इतनी आफत आ जाएगी। आपने आज से पहले भी तो बहुत त्योहार मनाए हैं, 1 साल अगर आप इन सब चीजों में नहीं शामिल होंगे तो कौन से वो त्योहार आने बंद हो जाएंगे, सब कुछ वैसा ही चलेगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से बचाकर, क्योंकि आपको अभी आने वाले टाइम पे बहुत काम मिलने वाला है, स्कूल का काम मिलेगा, फाइल बनाना, ये करना, वो करना, 50 तरह के काम होंगे, टाइम मिल पाना मुश्किल होगा। तो आपको ऐसे ही टाइम निकालना होगा कि दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। ठीक है, फेस्टिवल वगैरह फालतू की चीजों में घुसना बंद कर दो। थोड़े टाइम के लिए अपने आप को बिल्कुल सीरियस करके पढ़ाई में झोंक दो, बिल्कुल पढ़ाई में। ठीक है, तब जाके आपका टाइम टेबल कामयाब होगा। ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि 2 से 3 दिन रेगुलर रहे और चौथे दिन फिर वही हो जाए। अब बात कर लेते हैं हम सीधा अपने टाइम टेबल पे। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे, एक एडिशनल होता है उसमें से, ज्यादातर बच्चों के पास एडिशनल होता है, कुछ बच्चे नहीं भी लेते हैं। ठीक है, तो आपको फिलहाल एडिशनल पे इस टाइम पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। मैंने आपको कल एक स्टोरी बताई थी कि एक बच्चे के पॉलिटिकल साइंस में आ रहे हैं 99 और इंग्लिश में आ रहे हैं उसके 33, तो ऐसा डिफरेंस आपके बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी परसेंटेज बुरी तरीके से गिरेगी और आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आपको अगर चाहते हो कि सब में आसपास हो तो आपको सभी सब्जेक्टों का टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने पोल साइंस रख दिया, पोलिटिकल साइंस आर्ट्स का मेन सब्जेक्ट होता है, सभी के पास पोलिटिकल साइंस होता है। ठीक है, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा इंग्लिश, चौथा हिंदी। इसके अलावा फिर आपका इसके 4 सब्जेक्ट के बाद वाले सब्जेक्ट पे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल इन 4 सब्जेक्टों को समझिए कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। देखो, सभी बच्चों का टाइम टेबल अलग होता है। मान लो कोई बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल जाता है, कोई इवनिंग शिफ्ट का है। अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम बनाकर दे दूं तो इवनिंग वाले में काम नहीं आएगा, इवनिंग का बना के दे दूं तो मॉर्निंग वाले में काम नहीं आएगा। सबके अपने अलग काम होते हैं, अलग जरूरतें होती हैं। कुछ बच्चे मजबूरी में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ठीक है, जैसे उनके घर की दुकान वगैरह है या फिर कोई घर का ही काम है तो उस काम में भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाते उतना। तो टाइम टेबल सबके लिए अलग होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डेली के आपको कम से कम 4 आवर तो निकालने ही है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो ना तो आपको 4 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये 5 6 8 10 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं केवल 4 घंटे की बात कर रहा हूँ। 4 घंटे से अगर आप 3 घंटे भी दे रहे हो तो भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, आपको शुरू से पढ़ाई करनी है, ये चीज समझ लो। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। पोल साइंस की बात कर रहे थे तो आपको 4 घंटे मैंने डिवाइड कर दिया कि आपको सभी सब्जेक्ट पे, इन सब्जेक्टों पे 1 आवर देना है। ठीक
ठीक है, आपके 4 घंटे डेली के डिवाइड हो गए। अब टाइम आप अपना देखो, दो टाइम पे पढ़ाई सबसे ज्यादा अच्छी होती है, एक तो होती है सुबह मॉर्निंग में और एक होती है नाइट यानी रात में, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम शांति रहती है, लोग कम उठे होते हैं, फालतू की चीजें नहीं होती, खटपट शोर नहीं होता, और नाइट में भी ऐसा हो जाता है, एकदम सन्नाटा शांति हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं तो बिल्कुल शांति होती है, जो भी पढ़ते हो सीधा दिमाग में घुस जाता है, अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये दो चीजें, ये दो टाइम बेस्ट होते हैं मेरी नजरिए में। लेकिन अगर मान लो किसी के पास मॉर्निंग में टाइम ना हो, नाइट में टाइम ना हो, तो वो दोपहर में, इवनिंग में, जब भी टाइम निकालना चाहे अपने टाइम निकाल ले। अब आपको करना क्या है, पोल साइंस में आपने टाइम दिया 1 आवर, ठीक है, अब आपको इस 1 आवर में क्या करना है, आपको एक चीज समझनी है, देखिए कि इस 1 आवर को आप दो टुकड़ों में तोड़ लो, इसको आप 25 मिनट और 25 मिनट में तोड़ लिया आपने 1 आवर को, ठीक है, बीच में आपके पास कितना है, लगभग 10 मिनट, आपके पास 10 मिनट का जो गैप हो गया, उस 10 मिनट में आपको क्या करना है अब वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई जो करता था मैं इसी तरीके से करता था, आपको ध्यान रखना है। आपने क्या किया, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाई, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक उठानी है, ठीक है, बुक उठा के पहले पेज से रीड करना शुरू कर देना है, सारी चीजों को रीड करना है अच्छे से, और जो मेन चीजें हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है, जहां जहां आपको मेन चीज दिखे आप हाईलाइटर कर लो, उसको हाईलाइट कर लो, आपको जो इंपॉर्टेंट नजर आए आप उसको हाईलाइट कर लो, लगभग 25 से 30 मिनट लगातार पढ़ लो। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको पढ़ते टाइम आप अपना फोन वगैरह स्विच ऑफ कर देना या फिर एरोप्लेन मोड पे लगाना, वरना फोन आता है तो डिस्टर्ब होता है, फोन को छूना नहीं है उस 25 मिनट में, अपना पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है, जब सारी चीजें पढ़ लोगे 25 मिनट तक, उसके बाद आपको क्या करना है, 25 मिनट के बाद एक बार आंख बंद करके सोचना है कि आपने क्या क्या रीड किया है, जितना आपने पढ़ा क्या उसमें से कुछ भी आपको 1% भी याद हुई चीजें या नहीं, तो आप आंख बंद करके जब सोचोगे ना मैंने क्या पढ़ा है, ऐसे ऐसे स्टोरी थी, क्यूबा मिसाइल संकट था, फिर ये था, फिर वो था, फिर पहला विश्व युद्ध आया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, जर्मनी, जापान, ये वो, जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा मतलब घूम जानी चाहिए, वो हो गई तो आप समझ लो कि आप कामयाब हो रहे हो, बिल्कुल सही है। फिर 25 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा गैप ले लो, उस गैप में आप चाय वगैरह पीना चाहो या जो भी है कर सकते हो, ज्यादा बेस्ट होगा कि आप म्यूजिक सुन लो, ठीक है, उस पांच केवल फिक्स टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट में आपको क्या करना है, म्यूजिक सुनना है, आप अपने फेवरेट सॉन्ग वगैरह जो भी है सुन लिया आपने, उसके बाद क्या होगा आपका जो माइंड होगा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, फिर दोबारा उठाओ 25 मिनट और आगे पढ़ना शुरू करो, इस तरीके से आप लगभग 50 मिनट आपने पॉलिटिकल साइंस को दे दिया और 10 मिनट आपने बीच में गैप भी ले लिया जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 50 मिनट में आपने जितना पढ़ा कोशिश करो कि वो चीजें आपको थोड़ी बहुत भी दिमाग में रह जाए बस। अब आपने मान लो एक चैप्टर था, अब आपको ये नहीं है कि एक चैप्टर एक बार में खत्म करना है, अगर आपने एक चैप्टर को 50 मिनट पढ़ा तो हो सकता है वो चैप्टर का कुछ परसेंट आप पढ़ पाए हैं, कुछ बच गया है, तो अगले दिन फिर आपके पास 50 मिनट है तो जो बचा हुआ चैप्टर है आप वो पढ़ सकते हो, यानी कि एक चैप्टर को आपने 2 दिन में पढ़ा और आपको वो दोनों चीजें क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने हाईलाइट हो गई, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग गई। इसी तरीके से देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे चैप्टर छोटे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे चैप्टर बड़े होते हैं, तो वहां दिक्कत आती है, पोल साइंस का चैप्टर 1 घंटे में आप नहीं कर पाओगे, हिस्ट्री का चैप्टर 1 आवर में आप नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा आप 2 दिन में कर सकते हो पोल साइंस का, अगर आप 2 डे मतलब 2 दिन में कर सकते हो, हिस्ट्री का और बड़ा है हो सकता है आपको 3 से 4 दिन लग जाए अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ने में, 3 से 4 दिन में आप एक चैप्टर कवर कर लोगे, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको टारगेट रखना है, पोल साइंस में दोनों बुक में 18 चैप्टर है, हिस्ट्री में दोनों तीनों बुक में 15 चैप्टर है, तो आपको अपना रेगुलरिटी बना के इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइम देना है और उसको खत्म करना है। अब आप हिस्ट्री में भी यही करो, 25 से 30 मिनट पढ़ो, मेन चीजों को हाईलाइट करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, 5-10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट में सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई, बस खत्म। उसके बाद फिर 10 मिनट अपना म्यूजिक को दे दो और फिर उसके बाद दोबारा से लग जाओ आप अपनी पढ़ाई में और फिर पढ़ो, ठीक है, बीच में ये जो म्यूजिक वाला जो गैप है ये लेना जरूरी है, वरना लगातार पढ़ते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है, नहीं नहीं समझ में आती चीजें, तो ऐसे ही जब आपने ऐसे ही पॉलिटिकल डेली पढ़ रहे हो, हिस्ट्री डेली पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, हिंदी भी आप डेली पढ़ रहे हो एनसीईआरटी वगैरह से, तो आपको क्या हो जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये चीजें, तो ये आपका एक टाइम टेबल हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और आपको एक और दूसरी चीज बता रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है वो ये पहुंचाता है कि जैसे मान लो आपने पोल साइंस का पहला चैप्टर लिया, फर्स्ट चैप्टर लिया, तो उस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप हमारी वीडियो देखो, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लो कंप्लीट, सारे पार्ट, जब आप कंप्लीट चैप्टर देख चुके हो ना उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो,
अब आपको क्या होगा कि 70%, 80%, 90% और कुछ बच्चों को 100% चैप्टर क्लियर हो गया होगा वीडियो से। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी इतनी आसान लगेगी, इतनी आसान लगेगी कि आपको एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। आप आराम से क्या है, 1 घंटे में अपना बहुत ज्यादा हिस्सा कवर कर लोगे। फिर ऐसे ही आपको हिस्ट्री में करना है, पहले चैप्टर की वीडियो देख के समझ लो, समझने के बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो। और मेन मेन चीजों जो जो मैंने आपको वीडियो में बताया, वो सारी चीजें क्या आएगी, आपकी एनसीईआरटी में आएगी, आप उसको हाईलाइट करते जाओ। इस तरीके से आपको डेली क्या करना है, डेली डेली आपको अपने सब्जेक्टों पे टाइम देना है, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको 1 दिन में पूरे सब्जेक्ट कर लेने हैं, 2 दिन में कर लेने हैं, आपको आराम आराम से करना है। 1 घंटा अगर आप डेली दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, बेसिक से 10 दिन में खत्म हो चैप्टर, 20 दिन में खत्म हो, 30 दिन में खत्म हो, 40 दिन में खत्म हो, जितने दिन में भी आपका सिलेबस खत्म हो, आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक सबसे बेहतर तरीका नोट्स बनाने का। आप ये समझ गए होंगे टाइम टेबल, आप पूरे दिन में किसी भी टाइम 4 घंटे निकाल लो, ठीक है। एक साथ 4 घंटे नहीं निकल रहे तो 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, अलग अलग टाइम पे गैप देके निकाल लो, पर हर सब्जेक्ट को 1 घंटा जरूर देना है, ठीक है। चाहे दिन में दो, चाहे रात में दो, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर, जब भी आपको टाइम निकले आप कर सकते हो। अब एक और तरीका, आपने क्या करा, एनसीईआरटी को रीड कर लिया। एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं, आपको सब अच्छे से पता होगा। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने खुद, हालांकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, अभी हम नहीं करा पा रहे, हमारी मोबाइल ऐप आ जाएगी, मोबाइल ऐप आने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, बट आपको उसका वेट नहीं करना, जब आएंगे तब आएंगे, तब तो आपको मिल ही जाएंगे, दिक्कत नहीं है। बट आपको अपने खुद के नोट्स तैयार करने, अगर आपको टॉप करना है ना, आपको खुद एनसीईआरटी के नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो नोट्स कैसे तैयार करने हैं, इस पे भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा कल, वो नोट्स के ऊपर आएगा कि एनसीईआरटी को कैसे बेस्ट तरीके से हमें पढ़ना है, और एनसीईआरटी से कैसे बेस्ट तरीके से कम टाइम में सिंपल नोट्स बनाने हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाए, ठीक है। बहुत सारे हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आया होगा, 4 घंटे कैसे निकालने हैं, किसी भी टाइम निकालो, कैसे अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको बातें नहीं बताई, बिल्कुल लोकल तरीके से बताया सब कुछ, कि ऐसे ऐसे करना होता है और आपको ये चीजें फॉलो करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।